नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, मैं जो मैच कवर करने वाले हैं वेजिस पॉन्डिचेरी T10 का पांचवा मैच है, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा PATV से WAR टीम्स के बीच। डिप्लेंस करेंगे स्पीड ऑन फुल स्ट्रेस पोजन फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 19,500 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है क्रिकेट एसोसिएशन पांडुचेरी के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों में एक विकेट की, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के मैचेस जिस मेनू पे खेले गए हैं ओवरऑल विकेट बैलेंस भी अप किया है। यदि स्कोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 100 से 120 तक की स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बैटर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। कल के जो मैचेस इस मेनू पे खेले गए थे तो बॉल अच्छी तरीके से बैट पे आ रहा था और बैटिंग के लिए विकेट बढ़िया है, लेकिन दोस्तों एक छोटा फॉर्मेट है और छोटा फॉर्मेट होने की वजह से यहाँ पे बल्लेबाज पहली बॉल से हिटिंग के लिए जाते हैं, जिस वजह से पे अच्छे खासे विकेट भी गिरते हैं। तो आपने एक बैलेंस विकेट मान की टीम बनानी है, जहां पे आपने क्या करना है, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं स्पेशली जो टॉप थ्री में बैटिंग करते हैं उनको आपने प्रेफर करना है, और दोस्तों जो मेन बॉलर हैं जो अपने दौर की पूरी बॉलिंग कराएंगे अपने उनको अपनी टीम में रखना है। लॉजिकली टीम बनाएंगे, निश्चित तौर में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं PAT टीम से। तो इस टीम का कल एक मैच खेला गया, तो टीम पहला मैच अपना जीत के आ रही। दोस्तों नीचे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रखी हुई है इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है, और दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर स्टेट्स मेंशन किए गए हैं सारे प्लेयर्स के, वो दोस्तों इनके ओवरऑल स्टेट्स हैं। और दोस्तों ओवरऑल जो इनके स्टेट्स हैं वो T20 के स्टेट्स हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्लेयर T10 नहीं खेला हुआ, सारे प्लेयर्स की पहली T10 सीरीज है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे शशांक भी और ऐसे जेड। अगर बात करें दोस्तों शशांक की, लास्ट गेम में 29 रन का स्कोर किया। इस सीरीज से पहले जो उन्होंने 2 T20 मैचेस खेलते हैं वह 17 रन किए थे। राइट हैंड बैट्समैन है, आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। ओपनिंग करेंगे तो अपनी टीम में आप ऐसा प्लेयर पिक कर सकते हो, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करता है आपने उसको अपनी टीम में जरूर रखना है, स्पेशली यदि ओपन कर रहा हो तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें दोस्तों जेड अगर की, लास्ट गेम में 0 करके गए और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन दोस्तों उनका ओवरऑल स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप GL के रोटेशन में ट्राई करो, क्योंकि यदि फिर से ओपनिंग करने आ गए और 20-25 रन कर जाते हैं तो आपको ग्रैंड लीग में इसलिए ट्राई कर लेना है, स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। वन डाउन बैटिंग करते हुए देखें इनकी टीम के सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर परमेश्वरन एस, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। लास्ट गेम में उन्होंने 31 रन की के लिए 2 और डाले, विकेटलेस रह गए। इस तरीके से पहले जो 9 T20 मैचेस खेलते हैं वहाँ पर 9 गेम के अंदर 170 रन किए थे और 7 विकेट चटकाए थे। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको दो ओवर की पूरी बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, और साथ में दोस्तों आपको वन डाउन बैटिंग करेंगे, कैप्टन और कैप्टन भी अपने बना सकते हो। हालांकि दोस्तों इनके ओवर कट होते रहते हैं, लास्ट मैच में जरूर उन्होंने 2 ओवर डाले, लेकिन कभी भी इनके ओवर कट हो सकते हैं, इसी ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये मेन बॉलर नहीं है, एक तरह से बैटिंग ऑलराउंडर है आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि 9 T20 मैच पर इसने सिर्फ 19 ओवर डाले थे। यानी T20 में पर मैच लगभग 2 ओवर डाल रहे थे, अब T20 में जो बॉलर 2 ओवर डाल रहा है तो यहाँ पे इसके कभी भी 1 ओवर हो सकते हैं 2 में से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, लास्ट मैच में जरूर 2 ओवर डाले लेकिन कटने के चांसेस रहेंगे, लेकिन बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म में, तो कैप्टन वर्ष कैप्टन आप जरूर ट्राई कर सकते हो। कृष्णा पांड्या की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में दोस्तों उन्होंने 52 रन के नहीं खेले, 2 ओवर डाले, 1 विकेट निकला। आप कैप्टन वर्ष कैप्टन आप बना चाहे बना सकते हो, सेफ पिक रहेगी, सब लोग कैप्टन वर्ष कैप्टन करके जाएंगे, लेकिन दोस्तों इनका ओवरऑल स्टेट्स नहीं है तो मैं अभी स्मॉल लीग पर सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनको रिस्क नहीं लेना वो ना बनाएं, जिनको सेफ जाना है वो लोग बना सकते हैं, लेकिन वो जब तक इनका मुझे ओवरऑल स्टेट्स नहीं मिल जाता तो मैं एक मैच की परफॉर्मेंस के बेस पर इनको कैप्टन अपनी टीम का नहीं बनाने वाला। हाँ, अपनी टीम में रखूंगा जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेक्शन है। नितिन कुमार को अपने ग्रैंड लीग ट्राई करने को, वो नीचे भी बैटिंग कर रहे हैं और इतना नीचे बैटिंग T10 में ज्यादा आता नहीं है। नीचे देखें दोस्तों नवीन कार्तिकेयन, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 11 किए और नॉट आउट थे। अब नंबर 6 पे नॉट आउट 11 मतलब नंबर 6 पे ज्यादा बैटिंग ही नहीं मिलती है, तो कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, आप छोड़ सकते हो। नीचे देखें दोस्तों यतीश कुमार ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट गेम में 1 रन किए, 1 ओवर डाले, 1 विकेट निकालने में सफल रहे, ग्रैंड लीग के अंदर बहुत अच्छी चॉइस आएंगे। नीचे देखें दोस्तों यहाँ पे वेंकटेशन एस, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में 1 ओवर डाला, विकेट रहे। इस तरीके से पहले 5 गेम के अंदर 18 ओवर डाल के 6 विकेट चटकाए हुए थे। ग्रैंड लीग में अपने ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे क्योंकि 1 ओवर की बॉलिंग करी हुई थी। बात करें दोस्तों ई निधेश्वर की, लेग ब्रेक बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, ये अच्छी पिक रहेंगी, आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। कल के मैच में जब कोई नहीं ले रहा था तभी हम निधेश्वर को लेकर गए थे, तो एक अच्छी पिक है, अपने इनको अपनी टीम में जरूर रखना। नीचे देखें दोस्तों शुभमन्यम के, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 1 ओवर डाल के विकेट लेस रहे, ग्रैंड लीग ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग भी ट्राई कर सकते हो, 1 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। नीचे अविनाश बद्रीनाथ की बात करें, राइट आर्म मीडियम, 1 ओवर डाल के विकेट लेस रहे। दोस्तों ये आपको परफॉर्मेंस है आपके सामने, आप देख सकते हो PAT का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की जो दूसरी टीम यहाँ पर रहने वाली है WAR की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं मैच का फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं WAR की। तो इस टीम का जो पहला मैच हुआ, टीम पहला मैच अपना जीत के आ रहे, इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे यस अविनाश यादव, उनके साथ ओपन एक ओपन करने आएंगे बी प्रभु। बात करें दोस्तों अविनाश यादव की, लास्ट गेम में एक रन करके आउट हो गए। अब दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर पर लगा दे, विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इनके साथ जा सकते हो, एक अच्छी पिक आपके लिए रहने वाले हैं। इस सीरीज से पहले जो 6 मैच खेलते हैं वहाँ पर 94 रन किए थे, भले ही लास्ट मैच में एक रन करके आउट हो गए लेकिन ओपन करेंगे 25-30 कर जाते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस रहेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन से यस अविनाश यादव को अपनी टीम में रख सकते हैं, इनके साथ ओपन करने आएंगे बी प्रभु। बैटिंग सेक्शन में कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, राइट हैंड बैट्समैन है तो बैटिंग सेक्शन से इनको भी पिक कर सकते हो, काफ़ी कम सिलेक्शन है। लास्ट गेम में 6 रन करके आउट हो गए, इस सीरीज से पहले 8 गेम के अंदर 62 रन थे, 10 के करीब एवरेज है, तो मतलब 10-15 रन कभी भी आप कोई बना के दे सकते हैं। तो बैटिंग सेक्शन से इनको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, बैटिंग में सेक्शन में अच्छे ऑप्शन भी नहीं है। वन ओवर बैटिंग करते देखेंगे पारस रत्नापर के, राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर, 55 मैच के अंदर 1187 रन है, 30 का बैटिंग एवरेज है, तेज विकेट है, कैप्टनसी की बढ़िया ऑप्शन नहीं है। लास्ट गेम में 26 रन की 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, कैप्टन वाइस कैप्टन भी अभी नहीं बना सकते, वन डाउन आपको बैटिंग करते नजर आएंगे प्लस आपको 2 ओवर की बॉलिंग भी करा के देने वाले हैं। तो आप इन्हें भी सीबीसी ग्रुप में अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। नीचे देखें दोस्तों जी थामिझामनी, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, लास्ट गेम में 25 की बॉलिंग ज्यादा नहीं कराते हैं, एक तरह से बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हो, बैट फर्स्ट में ट्राई करिएगा, बैट सेकंड रिस्की रहेंगे, लास्ट गेम में 25 रन का स्कोर करा हुआ है। आर प्रेमराज की बात करें, लास्ट गेम में 13 की, इस सीरीज पहले 2 गेम में 11 रन थे, एवरेज ऑप्शन है, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो सिर्फ सीएल के अंदर ट्राई करें, स्मॉल लीग रिस्की छोड़ दीजिएगा। सेल वॉम एम की बात करें, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर, 10 मैच के अंदर 13 विकेट लेकिन लास्ट मैच में 1 ओवर को बॉलिंग नहीं मिली, तो रिस्की पे आप आसानी से छोड़ सकते हो। सौरभ या तो राइट हैंड मीडियम में लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, एक अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर, उतना विकेट टेकिंग नहीं रहते, 5 मैच के अंदर 5 ही विकेट हैं ओवरऑल लेकिन 74 रन बैटिंग से भी हैं, तो बैटिंग यदि आ गई बैट फर्स्ट हुआ तो थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगे और बॉलिंग 2 ओवर की आप करके देने वाले हैं, तो अच्छी विकेट रहेगी सौरभ यादव। नीचे सचिन मुझे कुछ खास लगे नहीं। नीचे देखेंगे दोस्तों मयंक पांडे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, एक अच्छी विकेट रहने वाले हैं, 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो सेकंड इनिंग में थोड़ा ज़्यादा खतरनाक रहेंगे, तो यदि बॉल सेकंड होता है तो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, बॉल फर्स्ट में भी आप ट्राई कर सकते हो। सत्य कुमार जीएल ट्राई कर लीजिएगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लास्ट गेम इसने भी 2 ओवर डालते हैं, हालांकि विकेट रहा है उतना विकेट टेकिंग नहीं रहते हैं, इस सीरीज से पहले भी 9 गेम के अंदर 5 ही विकेट निकाले हुए थे, तो ग्रैंड लीग के अंदर सत्य कुमार ट्राई करिएगा। एस सत्यमूर्ति की बात करें, राइट हैंड मीडियम, लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, इस सीरीज से पहले भी 3 मैच में 6 विकेट थे, अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं, 2 ओवर की पूरी बॉलिंग कराएंगे, जो बॉल फर्स्ट होगा तो डेथ में भी बॉलिंग डाल सकते हैं। बेंच में दोस्तों कुछ प्लेयर हैं, इनका 18 मेंबर का स्क्वाड है, दिन में कोई खेला तो आप इनके भी चाहें तो स्टेट देख सकते हैं, हो सकता है लोग ना खेलें। तो दोस्तों आपके सामने फोन से यहाँ पे आप देख सकते हो WAR का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हमारे इस मैच का टीम क्या है, चलिए हम टीम में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैच का फाइनल अपडेट, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देख लेते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं एस अविनाश यादव के साथ जा रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने ऐसे बी शशांक और ऐसे एस परमेश्वरन और ऐसे बी प्रभु को पिक किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों मैंने ऐसे एस सत्यमूर्ति और ऐसे पी रत्ना परखे और ऐसे कृष्णा पांडे मेरे पास हैं। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों मैंने एस यादव, यहाँ से एम पांडे, मयंक पांडे और यहाँ से वाई कुमार और यहाँ से ई नितेश्वर को अपनी टीम में रखा हुआ है। कैप्टन दोस्तों मैंने पी रत्ना परखे को किया हुआ है, या आपको वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे प्लस 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे। वाइस कैप्टन दोस्तों एस परमेश्वर हैं, ये भी आपको वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करा के देने वाले हैं। तो दोस्तों जो मेरे सीबीसी हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों समय पॉइंट देते हुए नजर आएंगे, इसलिए मैंने दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। स्मॉल लीग में दोनों बेस्ट हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। एक प्लेयर और है के पांड्या, सेफ ऑप्शन है, आप इसको भी स्मॉल लीग में सीबीसी कर सकते हो, ये भी 2 डाउन बैटिंग करेगा प्लस आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देने वाला है। तो दोनों 3 बेस्ट हैं स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के। ग्रैंड लीग में भी मैक्सिमम टीम में इन्हीं दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा, इसके अलावा जो आप जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो यदि दोस्तों आप ऑलराउंडर से करना चाहें, मैं नीत एस सत्यमूर्ति बेहतरीन बॉलर हैं, आप इनको सीबीसी ग्रुप में ट्राई कर सकते हो, एम पांडे ट्राई कर सकते हो दोनों कंडीशन में, और उसके अलावा निधीश्वर को भी ट्राई कर सकते हो एक आध रोटेशन में। तो ये जो मैंने 3 पिक बताए बॉलर्स जो 2 ओवर की बॉलिंग करा देने वाले हैं, इनको रोटेशन में एक आध टीम में ट्राई करिएगा, जो मैक्सिमम टीम में ट्राई करने सीबीसी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह इन तीनों को करने हैं, ये जिन तीनों में मैं गोला मार रहा हूँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अभी के लिए दोस्तों वही टीम रहेगी, और आफ्टर टॉस से इस टीम में कुछ भी अपडेट होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिलेगी, तो अपनी जल्दी से आके टेलीग्राम चैनल से भी तुरंत ज्वाइन हो जाना, लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।